नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप IBC 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, IBC 24 का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म लगातार आपको राम जन्मभूमि से जुड़ी पूरी कहानी बता रहा है। अब तक हमने आपको बताया कि वेद उपनिषद के साथ साथ इतिहास के दस्तावेजों में कहां कहां अयोध्या और प्रभु श्री राम का जिक्र है, ये हमने आपको पूरी कहानी अब तक बताई। इसके पहले एपिसोड में हमने बताया कि अंग्रेजों के शासनकाल में क्या स्थिति रही, उससे अवगत कराया। अब हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यानी ये तो आपने सुना ही होगा, या हो सकता है आपने पिताजी से, अपने बाबा से इसकी कहानी सुनी हो, यानी इसे इतिहास की ज़रूरत भी नहीं है। आज़ादी के बाद की बात कर रहे हैं। आज़ादी के बाद अयोध्या कैसी रही, उसकी बात अब हम करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल जो आपके मन में ये आता है कि बाबरी मस्जिद में अचानक रामलला की मूर्ति कैसे प्रकट हो गई, इसकी बात आती है। सबसे पहले राम के नाम पर राजनीति किससे शुरू की। अच्छा, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी है इस मामले में कि राम के नाम पर कौन राजनीति करता है, लेकिन हम यहाँ बताएंगे शुरू किसने की। बाबरी मस्जिद पर ताला किसने लगवाया और ताला खुलवाया किसने, ये जानना बहुत ज़रूरी है, चूँकि अब हम 1947 के बाद की बात करेंगे। तो सबसे पहले 1947 की जो जिक्र है किताबों में, इतिहास के पन्नों में जो जिक्र है, वैरागियों और हिंदू महासभा ने यह संकल्प लिया कि बाबरी को विध्वंस करना है। ये उन्होंने संकल्प ले लिया 1947, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ। पूरा देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन अयोध्या आज़ाद नहीं हो पाई। जो जहाँ पर हम फंसे थे, वैसे तो आज़ाद थी, लेकिन जिन स्थिति और परिस्थिति में हम फंसे थे, वहीं फंसे रह गए। तो मैंने आपको बताया कि 1947 में वैरागियों ने और हिंदू महासभा ने ये प्रण लिया कि बाबरी मस्जिद को विध्वंस करना है। अब इसके एक साल बाद आगे बढ़ जाइए, 1948 में आ जाइए। 1948 में हमारे देश में 13 सीटों पर उपचुनाव होना था 1948 में, और इनमें 13 सीट में से एक सीट फैजाबाद की भी थी। फैजाबाद वही जिला है जिसे आज आप अयोध्या कहते हैं, वो फैजाबाद इसके पहले हुआ करती थी। एक दो साल पहले भी आपको ये पता होगा, दस्तावेजों में इस बात का जिक्र है। अच्छा, चुनाव जो है समाजवादी पार्टी के नेता थे नरेंद्र देव, उनके बीच हो रहा था, और कांग्रेस के बाबा राघव दास के बीच हो रहा था। ये चुनाव बड़ा दिलचस्प था। कांग्रेस को ये चुनाव हर हाल में जीतना था, और कड़ी टक्कर आचार्य नरेंद्र देव दे रहे थे, जो कि समाजवादी नेता थे, समाजवादी विचारधारा के थे। अब देखिए, 47 में जो मैंने आपको बात बताई, 48 में इसी चुनाव में सबसे पहले ये जिक्र हुआ कि राम मंदिर को विरोधियों से मुक्त कराना है, और ये बात बाबा राघव दास ने कही। अब बाबा राघव दास कौन है, आप बताइए, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। बाबा राघव दास कांग्रेस के कैंडिडेट थे, जो अपना चुनाव बहुत ही बारीकी अंतर से जीते थे। हालांकि आचार्य नरेंद्र देव के खिलाफ कड़ी टक्कर थी, लेकिन जो दस्तावेजों में जिक्र है कि कांग्रेस यहां पर 1312 यानी 1312 मतों से अपना चुनाव जीत जाती है। यानी बाबा राघव दास फैजाबाद से, जो अभी अयोध्या है, वहां से लोकसभा के सांसद हो जाते हैं। तो सबसे पहले राम के नाम पर राजनीति किसने शुरू की, इसका जवाब आपको मिल गया आपको जवाब, कांग्रेस ने शुरू की, क्योंकि उनके कैंडिडेट ने ही इस बात का जिक्र किया। फैजाबाद के उनके कैंडिडेट ने यह कहा कि राम मंदिर अयोध्या को विधर्मियों से मुक्त कराना है। अब सवाल है कि ये विधर्मी कौन है, वो बताने की जरूरत नहीं, इसके पहले के एपिसोड में हमने आपको विस्तार से बताया। तो यहां 1312 वोटों से जीती है। बाबा राघव दास ने संतों से बैठक और मंदिर के लिए सरकार को पत्र भी लिखा। इसी बीच वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्राहिम ने 10 दिसंबर 1948 को एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू बैरागी इस इलाके में कब्रों मजारों को साफ करके रामायण का पाठ कर रहे हैं, और वे जबरन बाबरी ढांचे पर कब्जा कर रहे हैं। ये दस्तावेज में है, इस बात का जिक्र दस्तावेज में लिखा गया है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब 1950 का रुख करते हैं। अब 1950 में क्या हुआ, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। उस वक्त अयोध्या में क्या खास बात थी, क्या घटनाएं घट रही थी, तो चलिए आपको ही बताते हैं। विवादित परिसर में पुलिस को चौकी बनानी पड़ी, क्योंकि जिस तरह से बार बार विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, उसके बाद पुलिस को
वहां पर चौकी बनानी पड़ी, भीड़ बढ़ी तो प्रशासन ने वहां एक पुलिस चौकी बना दी। लेकिन हालात बिगड़ने लगे, जिसका असर ठीक 28 दिन बाद दिखा। अब आती है 22 और 23 दिसंबर की रात 1949, सन 1949 यानी 50 के पहले, थोड़ा आपको पहले जाएंगे, 1949 की रात 22 और 23 दिसंबर को क्या हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है कि उस वक्त अयोध्या में क्या घटना घटी। 23 दिसंबर 1949 को अयोध्या में एक और विवाद जन्म लेता है। एक रात पहले बाबरी ढांचे के अंदर भगवान श्री राम की मूर्ति पाई गई। हिंदू संगठनों ने दावा किया कि भगवान राम खुद प्रकट होकर संदेश दे रहे हैं कि ये जन्मस्थान, अयोध्या का जो जन्मस्थान है, जो हमारे पुराणों में, उपनिषदों में, मानस में, वाल्मीकि की रामायण में जिक्र है, ये उनका जन्मस्थान है, ये हिंदू संगठन बताने लगे। मुस्लिम पक्ष की शिकायत पर दर्ज FIR में अभिराम दास समेत 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ IPC की धारा के तहत 147, 448, 295 के तहत मामला दर्ज हुआ। और इसके बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री, और ये आपको जानना भी चाहिए कि उस वक्त के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को तार लिखा। देखिए, पत्र का जमाना नहीं था, तार लिखा था, यानी 24 घंटे के अंदर उनको पहुंच जाए। उस तार में किन बात का जिक्र था, किस बात का जिक्र था, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। नेहरू ने उसमें कहा कि अयोध्या की घटना ने मुझे बहुत विचलित किया है, मुझे पूरा भरोसा है कि इस मामले में आप व्यक्तिगत रुचि लेंगे, जो हालात हैं उससे खतरनाक मिसाल कायम की जा रही है, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये गोविंद बल्लभ पंत को जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लीजिए, क्योंकि जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, यानी जवाहरलाल नेहरू भाप गए थे कि यहाँ पर हालात अब सुधरेंगे नहीं, अब बिगड़ेंगे। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, कोर्ट ने बाबरी ढांचे पर ताला कब लगवाया, ये सबके मन में सवाल आना चाहिए कि कब लगवाया, तो इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। 29 दिसंबर को फैजाबाद कोर्ट के अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट मार्केंडे सिंह ने विवादित ढांचे को CRPC 1898 सेक्शन 445 के तहत कुर्क किया। यानी UP सरकार ने भी मामले पर विधानसभा में एक लाइन में जवाब दिया कि मामला न्यायालय पर है और इसलिए ताला लगा दिया गया। तो इसका जवाब आपको मिला कि बाबरी मस्जिद पर ताला कब लगाया गया, इसका जवाब आपके पास आ गया। अब श्री राम की यानी अयोध्या की पूरी कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 1977 में जनसंघ ने इसे प्रमुख मुद्दा बनाया। यानी पहले शुरुआत कांग्रेस ने की और उसके बाद 1977 में जनसंघ ने इसे प्रमुख तौर पर मुद्दा बनाया चुनाव में। 1977 में जनता पार्टी ने जब गठबंधन सरकार बनाई तो कई मुद्दों ने तूल पकड़ा, लेकिन 3 साल में ही सरकार गिर गई और इंदिरा गांधी की सरकार फिर से आ गई। यानी इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर से बन गई। इसी समय संघ परिवार ने मंदिर की मांग पर हिंदुओं को एकजुट करने की रणनीति बनाई। इसमें यानी इसी समय पर ये बात, इस बात का निर्णय लिया गया कि अब जनसंघ का जो प्रमुख मुद्दा होगा वो मंदिर होगा, और इसके लिए एकजुट करना पड़ा। और यही नहीं अयोध्या ही नहीं, काशी और मथुरा को भी इसमें शामिल कर लिया गया। यानी अयोध्या को तो शामिल किया गया, काशी और मथुरा को भी शामिल कर लिया जनसंघ ने अपने एजेंडे में। अब इसके बाद राम जन्मभूमि मुक्ति यात्रा समिति ने यात्रा निकाली। 27 जुलाई 1984 को हिंदुओं की तरफ से राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाई गई। ये रथ अयोध्या से दिल्ली पहुंचा और इसी समय इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, जिसके कारण इस यात्रा को रद्द कर दिया गया, आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब 80 के दशक में क्या हुआ, 80 के दशक में भी मंदिर का मुद्दा गरमाया, एक बार फिर से मंदिर का मुद्दा गरमाया। इस साल जो घटनाएं घटी वो आपको जानना बहुत जरूरी है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अगले आम चुनाव में प्रचंड बहुमत से राजीव गांधी की सरकार बन गई। दूसरी ओर राम मंदिर मसला फिर गरमा गया। विश्व हिंदू परिषद ने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि अगली शिवरात्रि यानी 6 मार्च 1986 तक ढांचे का ताला ना खोला गया तो तोड़ दिया जाएगा। ये चेतावनी दी गई कि अगर ताला नहीं खोला जाता तो हम ताला तोड़ देंगे। और ये किसने चेतावनी दी, विश्व हिंदू परिषद,
यानी जिसे आप VHP भी कहते हैं, उन्होंने इस बात की चेतावनी दी, अल्टीमेटम दिया। अब इसमें एंट्री होगी शाहबानो केस की। शाहबानो केस का इससे क्या लेना देना है वो भी आपको समझना चाहिए, बहुत जरूरी है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। शाहबानो केस पर बढ़ा विवाद, फिर गर्भगृह का ताला खुला। 80 के दशक में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की वजह से राजीव गांधी पर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप लग रहे थे। यानी शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा, वजह राजीव गांधी बने और राजीव गांधी पर ये छवि बन गई, यानी राजीव गांधी की छवि बनी कि मुस्लिम तुष्टिकरण उन्होंने की, उस वक्त ये छवि बनी। लेकिन मेरा काम ये है जो उस वक्त घटा वो आपको बताना, तो उनकी छवि ऐसी बनी। नया कानून फरवरी 1986 में संसद में पेश होना था। इसी बीच जनवरी 1986 में फैजाबाद जिला अदालत में गर्भगृह का ताला खोलने की याचिका खारिज कर दी गई। जज KM पांडे के आदेश से गर्भगृह का ताला खोल दिया गया। फैसला कोर्ट का था, लेकिन माना जाता है कि हिंदुओं की नाराजगी दूर करने के लिए राजीव गांधी ने एक कदम उठाया। तो ताला किसने खुलवाया, जो बार बार कांग्रेस कहती है, इसी घटना के आधार पर कहती है कि राजीव गांधी ने ही ताले को खुलवाया। तो ये बहुत ही दिलचस्प बात है, ये भी आपको जानना चाहिए, उस वक्त की बात है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और रथ यात्रा के साथ राम मंदिर आंदोलन की नई शुरुआत हुई है। यानी रथ यात्रा के साथ राम मंदिर की जो नई शुरुआत हुई है, अब बात उसकी, यहां से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। शाहबानो केस के बाद सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू की, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। अक्टूबर 1990 में कई कार सेवकों पर गोलियां चली, ताबड़तोड़ एक के बाद एक गोलियां चलाई जाती हैं। इन्हीं सब में 1992 में बाबरी ढांचा गिरा दिया गया। 6 दिसंबर 1992 का राजनीति और देश पर क्या असर पड़ा, 2014 में मोदी सरकार आने के बाद मंदिर के कैसे केस ने कैसे तेजी पकड़ी, ये सारी कहानी आपको विस्तार से हम अगले एपिसोड में बताएंगे। यानी आपको आज ये जानने को मिला कि राम के नाम पर राजनीति किसने शुरू की, ताला किसने खुलवाया, ताला किसने लगाया, ये सारे बड़े अहम पहलू हैं। और अब जो IBC24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के दर्शक हैं, अगला एपिसोड उन्हें इस स्टूडियो से नहीं मिलेगा, इस शानदार भव्य स्टूडियो से नहीं मिलेगा, अब खुद IBC24 की डिजिटल टीम अयोध्या धाम जा रही है। यानी 16 तारीख से लगातार जो ये अपडेट आपको मिल रहा है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही आपको मिलता रहेगा। तो मुझे आज के लिए बस अनुमति दीजिए, एक दिन का वेट कीजिए, उसके बाद अयोध्या में क्या हो रहा है, वहाँ कैसा नज़ारा है अभी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 500 सालों का ये संकल्प था, विवाद था, वो हल हुआ है। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।